क्यों आए हुए हैं, क्या मांगे आपकी? हम आए हैं अपने गुरु जी की सीबीआई जांच, यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन करने, सीबीआई जांच, सारे केसों की सीबीआई जांच हो। और ये सरकार ऐसी है कि कान में उरवी डाल करके बैठी है, ये सुन रही नहीं रही है सरकार। हम इस सरकार से गुहार कर रहे हैं कि सारे केसों को सीबीआई जांच हो और जितने भी झूठे मुकदमे, झूठे आरोप लगाए गए हैं, उस सीधे झूठे आरोपों को ये वापस लें। ये जो भी देशद्रोह के मुकदमे लगाए गए हैं, इसको ये वापस लें और सारे केसों की जवाब ये सीबीआई जांच करें। हम इसीलिए बार बार यहाँ आते हैं और यहाँ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये सरकार अपने कान में रोड़ा डाली हुई है, ये सुन न रही है। ये सारी लाखों पब्लिक यहाँ आती है और हम अपने गुरु जी को बार बार यही कहते हैं, इनकी केसों की सीबीआई जांच हो। ये राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से हम यही बार बार प्रार्थना करते हैं कि इनके केसों की सीबीआई जांच हो, लेकिन ये सरकार जो है, गृह मंत्री यहाँ झांसी में भी गए थे धरना प्रदर्शन, वहाँ सारे वहाँ भगत गए थे, अभी झांसी में गए थे, हम लोगों ने वहाँ भी झंडा ये किया था, लेकिन ये कहे कि हमारी सरकार यूपी में बनेगी तो हम सीबीआई जांच करेंगे। लेकिन आज मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कह रहे हैं और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से ये कह रहे हैं कि आज तो आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई है। मैं आपको कह रहा हूँ, इन्हीं भक्तों के कारण आपने आश्वासन दिया था और आपके आश्वासन के बल पर इन भक्तों ने आपको वहाँ जिताया यूपी में, तो आप अब कान में से जो रुई डाले हो उस रुई को निकालो और मेरे गुरु जी के केसों की सीबीआई जांच करो। आप नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और प्रणब मुखर्जी जी, आप बार बार आप लोगों से यही गुहार लगा रहा हूं कि आप, हम यूपी से आए, उत्तर प्रदेश से, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो संत रामपाल जी के धरने पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, अनुयायी कह रहे हैं कि राजनाथ ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी चुनाव से पहले वादा किया था कि यूपी में सरकार बनते ही हम संत रामपाल जी के सभी झूठे केसों की सीबीआई जांच कराएंगे, लेकिन सरकार बन भी गई है लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट जंतर मंतर से, सतलोक आश्रम न्यूज़।